अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आजम मलिक है। आप देख रहे हैं पाक बाइकर आजम मलिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो, ये वीडियो होने जा रही है कि आप अपने बाइक के टापे जो नए लाए, अगर नए लाए हैं तो उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो टापे की इंस्टॉलेशन का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि आप अपने जो बाइक के नए टापे अगर लाए हैं तो उसको किस तरह आप आसानी से जो है तब्दील कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ जो आपको घंटी का निशान दिखाई देगा उसको आपने क्लिक कर देना ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर देखने को मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको जो एक रेड कलर का टापा दिखाई जा रहा है जो कि मैं इस वक्त जो है नया परचेस करके लाया था। और ये टापा जो आप सब देख सकते हैं ये काफ़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी वाला होता है। काफ़ी टापे जो होते हैं वो जो है थोड़े हार्ड होते हैं और जो थोड़ी सी मतलब कि आप उसको जोर लगता है, उसकी बहुत टेंशन लगती है, फोर्स लगती है तो वो टूट जाता है। तो ये जो है इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे सामने स्क्रीन में देख सकते हैं तो ये जो है हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ और ये थोड़ा सी नरम प्लास्टिक है, रबड़ टाइप आप कह सकते हैं, जिसमें आपको रबड़ की समझिए प्लास्टिक जो है वो यूज़ करने जाती है। तो अब हमने करना क्या कि हमने जहाँ पे मैंने इंग्लिश लगाई यहाँ पे आपने जो है ये वाला लॉक लगाना है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये आप लॉक किस तरह से लगा सकते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक जो है आपको सामने ये पिन नज़र आती है, उसके नीचे आपको ये एक वाशल सा नज़र आती है और वाशल जो है उसने जो है स्प्रिंग को होल्ड किया होता है, और नीचे जो है आपको राड सा नज़र आता है जो कि आपका लॉक होता है। जो आप चाबी घुमाते हैं तो वो घूमता है और नीचे से जो आपका फंक्शन जो काम करता है। तो अब हमने पहले सबसे पहले आपने पिन निकालनी है, पिन निकालेंगे तो फिर ये हमने मैं पहले जो है पहले से टापे से निकाल चुका हूँ, एक टापा मैंने तैयार किया तो दूसरे की मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने कटर या कोई आपको प्लास वगैरह हो तो पकड़ के आपने जो है पिन को बाहर की तरफ खींचना है तो पिन जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। अभी मैं सिंगल बंदा था, मेरे पास कैमरा मैन नहीं था, इसलिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैमरा भी होल्ड करूँगा और साथ आपको ये चीज़ जो है निकाल के भी दिखाऊंगा, तो इतना मुश्किल काम नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको टोटल जो है 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो सामने आपको ये सुराख नज़र आ रहा होगा, इस साइड से जो है थोड़ी सी निकल चुकी है और ये आपका स्प्रिंग है। तो यहाँ पे आपने जो है ऊपर वाशर है इसको प्रेस करेंगे तो ये स्प्रिंग नहीं चल जाएगा और आपकी जो है वो पिन जो है वो लूज़ हो जाएगी। फिर आपने पिन को पकड़ लेना है कटर की मदद से और बाहर निकालना है। जिस तरह मैंने पाँव रख दिए तो जो वाशर नहीं चलेगी, या फिर यहाँ पर हमने कटर को यहाँ से पकड़ना है और आपको जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ सर आपने फोर्स लगानी तो आपका ये आराम से जो है बाहर की तरफ निकल आएगा। ये देखा पकड़ के जो ये बाहर निकलता आ रहा है। और ये अगर पिन आपकी घूम जाए तो फिर आपका जो टापा है वो किसी काम का नहीं रहता, ये लॉक जो होता है। तो मेरी एक की पिन घूम गई थी तो उसकी वजह से मेरा टापा पूरा ख़राब हो गया था। फिर मैंने जो पूरा सेट लाया है और आपको बता चलूँ कि ये सेट जो है इसकी प्राइस है 150 रुपया। तो ये मुझे 150 के 2 टापे पड़े हैं जो काफ़ी मुझे लगता है कि अच्छी प्राइस है, क्योंकि यहाँ से मैंने जब परचेज़ की थी अपने घर के पास से तो मुझे 150 का सिंगल एक टापा देखने को मिला था। और वहाँ से मैंने मरी रोड वारिस खान से परचेज़ की तो वहाँ पर मुझे जो है 150 की एक सेट मिल गया, जोड़ी मिल गई है। तो ये आपने पिन देख ली है। आप उसके बाद ये वाशल होती है जो कि स्प्रिंग को होल्ड करती है। तो ये ऊपर से और नीचे से आपको मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप की होती है। तो सामने देख सकते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, तो ये स्प्रिंग को यूँ नीचे प्रेस करके दिखाता है और ये आपका स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से जो है आपको दबाती है चाबी को ज़ोर से दबाते हैं तो वो थोड़ा सा टापा अंदर हो जाता है, फिर आके आपका लॉक लग जाता है। तो ये इस तरह कुछ होता है। अब जो है नीचे जो फंक्शन होता है जो मतलब जिसमें आप चाबी डालते हैं वो वाला पीस जो है ये आपको सामने स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इसमें आपको सुराख भी नज़र आ रहे होंगे जिसमें आपकी पिन डलती है। और अभी आपको डाल के दिखाते हैं किस तरह ये डलता है। अभी ये आपको सामने एक जो है पॉइंट नज़र आ रहा होगा, कट सा नज़र आ रहा होगा ये जो उभरा हुआ है। तो ये आपने सामने ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है कट सा बना हुआ है। तो इसके अंदर सामने आपने स्ट्रेट रखना है, ये इसकी जो है सीधी जगह की निशानी होती है। तो ये सामने आप सीधा रखेंगे तो आपको ये जो है सीधा चला जाएगा। अभी जिस तरह मैं आपको सामने डाल के दिखाऊंगा तो ये डल चुका है। अभी इसके ऊपर स्प्रिंग स्प्रिंग लगाते हैं फिर आपको जो दिखाते हैं। अभी स्प्रिंग पहले डालेंगे, उसके ऊपर वाशल डालेंगे और पिन जो है लाजमी यहाँ पर सही तरह से डालनी है। पिन अगर आपकी छोटी है या किसी साइड से भी उसका लेवल बराबर नहीं हो तो पिन जो बाहर निकल जाएगी, फिर आपका जो टापा वो गिर सकता है। मेरा टापा भी इसी वजह से गिरा था कि उसकी जो पिन है वो शायद निकल गई थी या उसकी जो है एक साइड से कम हो गई थी। अभी आपको दिखाते हैं कि पिन जो किस तरह आपने डालनी है। पिन का वही तरीके से आपने निकाली थी, पाँव दबा के आपने ये रख देनी है और साथ ही कोई ठोकर मारनी है ताकि वो जो पिन अंदर चली जाए। तो आप सामने देख सकते हैं कि मैं ठोकर मारूँ और पिन जो अंदर जा रही है ताकि दोनों साइड से इसका लेवल हो जाए और ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए। अभी भी इसका लेवल ठीक नहीं है तो थोड़ी सी ठोकर और मारनी पड़ेगी।
अभी ठोकर शोकर मार दी, अब इसका लेवल बराबर हो गया। तो अब ये टापा जो है वो तैयार हो चुका है। अब दूसरा टापा मेरे पास पड़ा था, दोनों टापे जो तैयार है। अभी जो है इसको बाइक पे आपको लगा के जो है दिखाएंगे कि ये जो है टापे जो है सही तरह से एडजस्ट हुए हैं या नहीं हुई है। तो ये दोनों टापे उसमें जो आपको ब्लू कलर नज़र आया तो वो आपका जो है मैंने जो है लाख नया लिया था, तो ये लगा दिया हमने। एक साइड पर जो गिर गया था तो ये भी बिल्कुल फिटिंग में आ गया है, और अब दूसरे साइड पर देखते हैं कि वो फिटिंग में आया या नहीं आया। तो ये ऊपर पड़ा हुआ था, अभी हम इसका लेफ्ट साइड का टापा जो है वो लगा के देखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड का भी लगा दिया, अभी इसलिए कि मैं दिखा नहीं रहा कि किस तरह लगाया, क्योंकि मेरे पास जो है कैमरा मैन नहीं था, मैं खुद ही अकेला था। तो मैंने जो है इस तरह लगाया कि फिर ताकि आपको एक वीडियो बना दी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई साथ समझ भी आई होगी। तो वो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चल सके किस तरह जो टैंक टापे जो साधन चेंज हो सकती हैं। अगर आप बाहर से कर रहेंगे तो आपको वैसे ही ज़्यादा 50-100 रुपये जो आपसे मजदूरी ले लेंगे, जो कि आजकल नॉर्मल हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 5 मिनट का काम है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। एक तो आपको पता चल जाए किस तरह काम करते हैं, और जो है आपको तो आपकी बचत भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।